चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बहुत धोखा हो गया आप लोगों के साथ में, ये छोड़ने के नहीं, मारी सोने की भाग की जमीन जिसे हम बिल्कुल हजारों साल तक बोते खाते आ रहे, जिसे हम जमीन को अपनी माँ कहे, कोल्ड के भाव में खरीदी जा रही, थारी रूप करोड़ करके जान बचा दिया, एनकाउंटर नहीं हो रहे। और मगा जो मैं थाने में आ गया, मैं नंगा कर दूं, मैं कदे फिर नु सोचन लगो। जिला अध्यक्ष शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष राठी जी, ओमपाल मलिक जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे, चेयरमैन साहब फारूकी जी, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी भाई, आपका कितना सम्मान है, कितनी वाह है बातचीत हो तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया। एक जंगल में एक महात्मा रह रहा था मंदिर पे, वहां वो बलि वली भी चढ़ा देता कहीं की बकरे बुकरे की उसकी, तो एक बकरी का बच्चा अपने उसमें थे झुंड में थे रेवड़ में थे हटके वो बिछड़ गया, उसके पीछे एक भेड़िया लग गया भाई। उनने सोचा भाई मंदिर में तेरी जान बच जाएगी, ब मंदिर में वो महात्मा जी उनने भी बागिंडा सपना लिया, कहने वह शिकार आ गया बहुत बढ़िया। उन्हें पीछे को लिखा, पीछे भेड़िया खड़िया, तो महात्मा कहने का उसे बच्चे को, आ जा भाई तू रही आ जा, तजे तो मरना मेरे हाथों से, मर ले सुधा सुरग में जागा, मरना तजे तो हम आप लोगों को यह बतावे बात, सरकार ने ऐसा पैच खींच दिया आप लोगों को बख्शने जाने का, मरना आप लोगों को। मनु कहूं जो कुछ भी बात होगी इस किसान यूनियन में मरमुरा लो भाई, बहुत चुनौती है आप लोगों के सामने, करोड़ों उद्यमों की निगाह आप लोगों पे है। मुझे फरनगर में क्या हलचल हो रही, क्या हो रही बात, 2013 में इन्होंने बड़ी चालाकी तरह सरकार पर कब्जा कर लिया भाई, पूरे देश पर कब्जा कर लिया, और जब बड़ा मुश्किल से छुटेगा यू, बहुत मुश्किल से छुटेगा। एक दंगल हुआ करता था कहीं, उसमें किसी ने ऐलान कर दिया कहने वा कोई भीड़ जितना भी कोई कितना भी ठाड़ा पहलवान हो, वह किसी ने ऐलान उठा नहीं, एक लाला जी भी भीड़ तो कर नहीं था पर कुश्ती देखा कर था, और वह छोड़ू जाता कुश्ती देखता होया भाई बहुत बढ़िया हो रहा, ठीक हो रहा काम, तो गांव वालों ने उसे, गांव वाले उसे कहने सेठ जी तू भीड़ लेना, कहने भाई तो मेरे तो ढेर ताकतवर है तो मुझे डालगा, कहने रहा डाई तो लेगा ऐलान तो उठ जाएगा। बाबा सेठ जी पट्टे का नहकर पहने था गोडू लोग का, वो चढ़ा चुड़ू सी का जाम यहाँ करके, और वो उठ का छड़ा था पेट उसका, वह पहलवान के साथ जा गया। वो पहलवान ने भी सोची बात तेरी तो ही नहीं होगी भाई, भाई भेड़ना तो पड़ेगा, हाथ हूत मिले वो भेड़ता हुआ कहने पहलवान को, सुन भाई ये हमारे गांव वाले इन्होंने दो तीन पहलवान मार लिए, ये जान तुम्हारे बिना नहीं छोड़ते, कहना कुकर जान बचा, कहना तू चित हो जाइए, और जो कुछ मिलेगा जो कुछ रुपये धरला जो कुछ भी आओगा जो सामान आओगा मैं तजे दे दूंगा। पहलवान ने भी नहीं सोचा भाई तू तो बहुत दूर लोग जीतते हैं, जान बच जाएगी, जो इसे इनाम भी लगा तजे दे देगा, काम चल जाएगा। बाबा वो चित हो गया, बस सेठ जी की भाई वाह वाह होगी, बहुत इनाम मिल गया, जोड़ी भर गई उसकी,
वो पहलवान पीछे पीछे कहने ने सुन तो जोर से जो तय हुई थी वो तो दे कहने वो तो मेरा दा था तो भाई इन्होंने दा मार लिया भाई और मुश्किल कर दी खड़ी। प्रधानमंत्री हमें तो नुता पर राजा झूठ नहीं बोलिया करता, राजा को तो कुछ ऐसी बात होती है, राजा का तो सब ताम झाम है, राजा झूठ नहीं बोलिया करता। 2014 की पंचायत थी मेरठ में, उसे सारा पता कहाँ की चाबी कहाँ लगे, किसी ने बताया जो गन्ने पर बोलिए बहुत बढ़िया है गन्ने की बेल्ट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 की पंचायत में वहां से सभा थी चुनावी सभा, उसमें उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनेगी तो 450 रुपये गन्ने का रेट होगा। किसान खुश हो गए भाई बड़ी है दोगी भाई बहुत बढ़िया होगा। आज 2014 को मजर गए 9 साल हो लिए होंगे, 9 साल के करीब हो लिए, 350 तो नहीं बढ़ा गन्ने का रेट। सब पता 2014 की चुनावी सभा में कहा था नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने हम बिजली फ्री देंगे बहुत कम रेट पर देंगे। किसान उसमें भी घूम रहा हो गया ठीक है बा हद हो जाएगी गन्ने का रेट हो जाएगा, बिजली वो मिल जाएगी। एक इन्होंने एक खोर वो कर दिया था जो थारे मन में है वो मारे मन में है, उसमें लोगों को देख क्या बा मुसलमानों का भी सफा कर देगा मोदी बा, हद हो जाएगी 3-4 वो है सब हो जाएगा काम फिट हो जाएगा वाह वाह हो जाएगी। भाई बहुत धोखा हो गया आप लोगों के साथ में, ये छोड़ने के नहीं जीव तो इन्होंने बड़े तरीके से सरकार बना ली, इब जे इन्होंने बेईमाना इस्तेमाल कर लिया, जहां मुसलमान बस्ती है वहां 2 सिपाही बैठा दिए गेट वही गाड़ में, उनके में देख कर लगे वही चाहे आधी किलोमीटर 1 किलोमीटर बगल हो कहना वो दिखाओ अपना आईडी दिखाओ फोटो पहचान पत्र फुलाना वो उन्होंने दिखाया कहना बा बहुत बुरी राइड पड़ी कुछ तो वोट में कम होगी। कुछ डीएम को SSP कहते कहना या सीट लिख चाह मजे या सीट मजे चाह उसे भी कुछ भी सभी अपनी नौकरी यहाँ के SSP को यहाँ के DM को उन्हें भी अपनी नौकरी बचानी वहाँ कुकर भी हुआ या सीट कटवा के दे दो। आप लोग भोले भाले किसान हो भाई, भोले भाले किसान हो, भोले भाले मजदूर हो, रास्ता किसी को नहीं पा रहा। नेशनल हाईवे लग रहे बनन, आप लोगों की मौत की सड़क लग रही है बनन मौत। कुछ भी बात हो 5-7-10 आदमी कोई बच जा कोई अस्पताल में मरे कुछ भंग के वहीं नहीं मिट जा। कल पीन ने मैं एक पुड़ के लिए धरना चल रहा कुछ नहीं, वेनू कह रहे हमें पुड़ दे तो हमारी जान बच जाएगी और नहीं कुछ भी, बड़ी राजनीति चल रही जी भी 130-140 150 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी जाएगी कौन बच सके। तितावी में यही हालत हो रही, बिटावे में यही हो रही, टावे में यही हो रही, जगह जगह सिमज में नहीं बात आ रही कहाँ तक आप लोगों की बात शुरू करें कहाँ खत्म करें, समस्या ही समस्या है। हमारी सोने की भाग की जमीन जिसे हम बिल्कुल हजारों साल तक बोते खाते आ रहे, जिसे हम जमीन को अपनी माँ कहे, कोल्ड्यू के भाव में खरीदी जा रही, कह गए सर की रेट का 4 गुना दे रहे हम, हमारी अभी मांग है चल नहीं रही, हमारी अभी मांग है जहां तक हाईवे शुरू हुआ
और जहां खत्म हो उसका एक रेट होना चाहिए। बाजी जगह 125 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है और बाजी जगह आप लोगों की 11-12 लाख रुपए बीघा की जमीन, क्या वहां से स्पीड कम हो जाएगी? क्या वहां स्पीड कम हो जाएगी? आप लोगों में फूट गेरी जा रही, बुरी तरह से फूट गेरी जा रही। आप लोगों की जमीन पर निगाह है, इन लोगों की, किसी के 5 बीघे जमीन हो, किसी के 10 बीघे जमीन हो, ठीक है रेट कम मिल रहे, पर 5 बीघे वाला भी भूखा नहीं रहने का उस जमीन में। जिसका 5 बीघे जमीन है वो भी भूखा नहीं रहने का जो उसमें मेहनत करे, ऐसी बात नहीं। खाने के लिए अनाज और डांगरू के लिए घास हो जा। आज की हमारी युवा पीढ़ी नु कह रहे क्या होगा, कुछ कर लेंगे, कुछ इसे बेच के कोई वो कर लेंगे, कोई दुकान कर लेंगे, कुछ वो कर लेंगे, कुछ नहीं। इन लोगों की ऐसी निगाह इस जमीन पर होगी। आगरे में 5500 बीघे जमीन एक बार कर ली और 1 रुपया उस जमीन का नहीं दिया गया। वहां के किसान आ रहे थे, 5500 बीघे पे लाल डोरा लगा दिया या जमीन एक बार होगी, वे फरद वो लेने लगे, फरद ही तो हुआ जमीन की। उसमें लिखा रहा आगरा विकास प्राधिकरण 5500 बीघे 5500 बीघे जमीन एक बार कर ली और उस पर आगरा विकास प्राधिकरण ने कहा गया उसके इब्या थोड़े से आगे कह देंगे 50,000 रुपये बीघा या 1 लाख रुपये बीघा या 2 लाख रुपये बीघे के अगर आप लोगों को मुआवजा लेना तो साइन करते रहो, ले जाओ, इतनी थारी जमीन नहीं रही। जिस किसान का भरत में नाम नहीं रहा उसकी जमीन नहीं रही। 5500 बीघे जमीन आगरे में आगरा विकास प्राधिकरण ने वह कर ली एक बार, उन किसानों के हाथ में कटोरा आ गया, धोखा। हमारे साथ में मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई 2017 में, बातचीत करी हमने, बहुत उम्मीद थी मका भाई ठीक रहेगी बातचीत। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा जी मका बिजली की वही बात, आप लोग रेट भी बढ़ा रहे, पावर भी बढ़ा रहे, नहीं दे पाएगा किसान, नहीं दे पाएगा। कहने इसका क्या समाधान हो मका, इसका समाधान यू है 10,000 एक साल का बिल, 1 ट्यूबवेल का 10,000 रुपये ले लो। जाडू में भी किसान की ट्यूबवेल बंद रहे, बरसात रहे 3 महीने हो लिए, ट्यूबवेल बंद है सबकी, बंद है क्या ट्यूबवेल सबकी? हम भी किसान ही हैं, उसका भी बिल देंगे हम। हमने कहा 10,000 रुपये ले लियो अगर किसान की फसल के दाम कुछ ठीक हो, थोड़ा घना बधा देख रहा हूँ, हम ही बधा देख रहे हैं, किसान के साथ में लड़ो ना, किसान मजबूर हो रहा, किसान को उमान ही है, किसान को शौक नहीं कोई, बिल रोकने का शौक नहीं है, हालात खराब है, किसान को बचा लो, किसान बच जाएगा, देश बच जाएगा, ऐसी वो ना करो किसान के साथ में। हमें नहीं कोई जवाब मिला, हमने नु कहा कोई ट्यूबवेल किसी ने खंभे गाड़ के तार लेकर चालू हालत में कर ली, बिजली विभाग का कुछ सामान नहीं जाता, उसकी 10,000 रुपये जमा करके उसे अस्थाई कनेक्शन कर दो, उसका विभाग को फायदा हो लगेगा, कुछ नहीं सुनाई। हम भी आप लोगों की तरफ पुल खा रहे, तुम भी हमारी तरफ पुल खा रहे, जो संगठन के जिम्मेदार है उनकी तरफ पुल खा रहे। पंजाब में किसान को बिजली फ्री है, हमने यह भी बात कही थी चलो बिजली हम फ्री नहीं मांगते, बिजली का भी खर्चा हुए, बहुत कम रेट पर किसान को बिजली दे दो, मजदूरों को बिजली दे दो। पंजाब में गन्ने का रेट
382 रुपए क्विंटल है वहां भाजपा की सरकार ने वहां, और आप पार्टी की सरकार है उसकी तरफ पुल खा रहे हैं कहने इस तरह के क्यों कर रहे हैं। सब मिलों का भुगतान कर दिया, सब मिलों ने वहां गन्ने का, आप लोगों की जमीन पे इस तरह की निगाह गड़ाओ बैठे, हजार हजार दो दो हजार तीन तीन हजार बीघे के फार्म हाउस बनवाने की तैयारी में, इन पे इतना पैसा है इन लोगों पे, आपकी कोई कदर नहीं इनके दिल में। जब उसमें एक गेट लग जाएगा 2,000-2,500 बीघे के फार्म पे, और आप लोग एक एक भैंस के लिए एक गेट खटखटाओगे उस फार्म हाउस का, जिस जो आपकी जमीन थी उसके गेट खटखटाओगे कहना मम्मी महाराज घास करवा दो इस फार्म में, और कुछ नहीं ले जाने के, हम बस घास घास करवा दो। यू दिन आप लोगों का होना, आप लोगों को बिल्कुल फकीर बना दे गया सरकार। जो भाई सुन लो, दो चार बात ही कहूं मैं। नेशनल हाईवे बनने लग रहे हैं, 100 गज इधर 100 गज इधर, आगे इसमें बात, उसमें 2.5 फुट की फसल तो सिवा कुछ नहीं बो सकता। जितने भी आई है पूरे भारत में, किसी को पता नहीं पता, मैं बता रहा आप लोगों को, कोई भवन निर्माण नहीं कर सकता 100 मीटर पे, 100 मीटर इधर 100 इधर। और ये कह देंगे कहने हमने उस समय पे कह दिया था, उस समय पे कह दिया था, जब भी 5-7 साल में 2 साल में जब आप लोगों में पूरी खलबली मच जाएगी, फिर ये कह देंगे कहना ठीक है भाई, मैं तो कह रखा था, कह रखा था कि जमीन छोड़ दो यार। एक नहर का तूफान बता रहे, वो तो ढेरी बेड़ी बता रहे भाई, हम कोई बता रहे कहीं कहाँ कहाँ को है, उसकी तो कुछ आड़ नहीं, कितने गांव आओगे रास्ते में। 650 मीटर उसकी नदी की, उसकी नहर की चौड़ाई है, हम आप लोगों को यही कह रहे, जैसी भी कुछ बात हो, एक वो दुकान होनी मुर्गू की, यहाँ 4 थावल में तो कितनी होगी, मुर्गू की दुकान हो, ग्राहक जागा कहने वायु पकड़ ले मुर्गा, ठीक है उस मुर्गे को खींच लेंगे, और मुर्गे नु कहेंगे बाप 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 मारी तो जान बचगी भाई, बचगी भाई, इसी का आ रहा था टेम। फिर दूसरा का आका होगा, दूसरे को सौज लोग सारू का टेम आ ले, कोई नु सोचता हो चौक साई दिखाता हो, अगवाई तो उस पर टल जाएगी बात, कुछ नहीं भाई, किसी को कुछ बहम हो, मारे नाम तक कोई पैसा ले रहा हो भाई, तिगे दियो ना किसी को, हमें नहीं चाहता ना, मैं वोट चाहती किसी की, कोई नु कहता हो कहने भाई वोट ना, हमें तो नहीं पता हम किस पार्टी में, बस दिखे फिर रहे नहीं दिखे फिर रहे, मैं भाई किसान है इनकी पीड़ा का हमें पता, हमें बोने तक काटने तक का पता कितना संघर्ष है किसानों के साथ में, देहातु पे इन लोगों की ऐसी नजर लग गई, देहातु की इज्जत नहीं, देहातु की इज्जत नहीं कुछ नहीं सिवा पैसे के, उस तक लूट खसोट की सौदे करने लगे, सौदे करने लगे, एक एक सिपाही सौदा कर रहा, एक जगह एक एक का फुप्पा मर गया, वो अपने फुप्पा के उसमें आ गया भाई, एक सिपाही कहने का उसे कहने 2 लाख रुपए दे दे, अन्नी तू भी चले जाएगा साथ ही, कहने रहे मैं तो अपने फुप्पा का पता ले रहा है, यू इसका कत्ल हो गया, यू मार दिया, कहने हाँ तेरे फुप्पा के लोंडे का नाम आ रहा इसमें, ये तो बैठा रखा और तजे भी लाद देंगे सिपाही,
उन्हें वो किसी तरह से लिकड़ लुकड़ के कहने में बात कर लो। हम उन बता के ना जी नुनू बात है 2 लाख रुपए मांग रहा था एक सिपाही। मैं सो को कहा मगा भाई बड़ी शर्म की बात है ठीक है, हमें भी शर्म आवे नु कह तू, पर इतने इतना कुड़ब्बा मामला। अरे ठीक है 19-20 हो जा, राम राज तो है नहीं पर ऐसा तो ना करो। उस पता कहीं के मांग रहा था और मगा जो मैं थाने में आ गया मैं नंगा कर दू, मैं कदे फिर नु सोचन लगो। मजे ना कुछ ऐसी बात है ना मजे ऐसा कुछ वो बात है भाई। 19 साल 10 महीने 11 दिन मुकदमा चलिया भाई, फर्जी निकालस फर्जी कुछ नहीं। और न्याय व्यवस्था ने जज ने मुकदमा चलिया 19 साल 10 महीने 11 दिन, सरकार ने अंबरी कर दिया भाई ठीक है भाई चल तम थारा कोई वो रोल नहीं पा। कहां था बात आप लोगों को उठावे कहां खत्म करे, बेलगाम हो रहा सब मामला। एक पटवारी तो लगा के और ऊपर तक खुले सौदे लग गए हो, लेता हुआ कर रिश्वत का काम, तनखा न्यारी चाह रिश्वत न्यारी चाह। यह तो एक रूप का रोड़ा करके जान बचा दी, थारी रूप का रोड़ा करके जान बचा दी, एनकाउंटर नहीं हो रहे। शाहपुर थाने में इतनी लंबी दाढ़ी थी उसका एनकाउंटर करा, नू ही नहीं पता कहां का था क्यों कर है मामला। बाकायदा सौदे हो उसे भाषा में कुछ कहा जा, कहना है क्या शिकार कोई किसी थाने में थाने अध्यक्ष की कोई तरक्की हो उसे कहा जा इतने इतना में सौदा हो रहा। वो बेकसूर आदमी मार दिया थाने में, वहां से शाहपुर थाने के अंडर में कोई सा गांव पड़े वहां से जंगल में उसके धोरे एक 47 धर दी और नू कह दिया तो राजस्थान में बिश्नोई गिरोह है कोई उसका सदस्य था। कहा भोगेंगे अपनी तरक्की के मारू के सी तरक्की चंद तरक्की के मारू निर्दोषों के हत्या लग रहे करण। वो तो पंडा कम हो गया, इब तो पैर पैर में ही गोली मार के चल जा इलाज वो हो जा। अन्य एनकाउंटर किसी या कुछ भी किसी पे 2,000 का या 2,500 का इनाम हुआ उसका भी एनकाउंटर में कुछ वो नहीं, कहीं कुछ सुना ही नहीं। अरे ऊपर ले का काम है मरण जीवन का तो उसी पे छोड़ दो सारा, आप कोई लोग है क्या? घना काम बेकार काम हो रहा भाई। हम आप लोगों को यह कहे अपनी यह बनाओ रखो, कितने भाई हमारे बीच में तो जा लिए उन्हें क्या कहे। आज किसान बारूद के ढेर पर बैठा, अपनी थोड़ी सी सोच के लिया थोड़े से लालच के लिया याद में पता नहीं कौन कौन से संगठन को नाम दे रहे कहीं को कर रहे। पर ऐसा तो ना करो सर, इसे तो हम ही घेरू घोटू जाते हैं सर। क्या ऐसी बात है, नाम भी किसान यूनियन ही टेक दी, कहाँ जाएंगे किसान किस पर भरोसा करेंगे। हम किसी की बुराई नहीं करते, कोई वो नहीं है बातचीत ठीक है, जो हमारे साथ रह लिया हम किसी की बुराई नहीं करते ठीक है, पर इन किसानों की जो किसानों की हा है किसानों की वो है, जो किसान आंख मीच का भरोसा कर रहे लोगों पर इन्हें क्या जवाब दोगे भाई। फिर भी हम आप लोगों को यह कहे भाई आध घंटा भी होतू हो लिया
आध घंटा हो लिया, जहां से कोई मिलेगा वहां मिल लगा, वहां हम तो चल रहे, चलो तो बात ठीक है।